जबलपुर में प्रशासन ने दशहरा पर्व की तैयारियां पूरी कर ली हैं। देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए विसर्जन घाट हनुमान ताल में चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। नगर निगम प्रशासन और होमगार्ड के जवान इंतजामों को पुख्ता करते नजर आए। कहीं किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए प्रशासन ने पहले से तैयारियां कर रखी हैं। मूर्तियों का विसर्जन कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार ही होगा। कोरोना प्रोटोकॉल के चलते जबलपुर प्रशासन ने इस बार दशहरा की विशेष तैयारियां की हैं। मूर्तियों का विसर्जन इस बार भारत सरकार के कोरोना नियमों के अनुसार ही कराया जाएगा। इसके लिए प्रशासन ने हनुमान ताल और विसर्जन घाट पर इंतजाम किए हैं। नगर निगम प्रशासन और होमगार्ड के जवान हनुमान ताल के इंतजामों को पुख्ता करते नजर आए। यहां किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसलिए सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। दशहरा पर्व के जिला प्रशासन और आयुक्त नगर निगम के निर्देश पे हनुमान ताल तालाब के चारों तरफ की साफ सफाई लगातार तो वैसे भी कराई जा रही है और ख़ास करके आस्था को ध्यान में रख के और ज़्यादा बेहतर साफ सफाई कराने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है, जो आप लोग देख भी रहे हैं। और ये जवारा विसर्जन लोग पहले तालाब में करते थे, इसके लिए नगर निगम प्रशासन ने एक अलग से वाहन की व्यवस्था कराई है, उसी में जवारा विसर्जन करेंगे। और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी स्टाफ है, जैसे कि होमगार्ड है, SDRF उनकी टीमें आई हुई हैं और लगातार लगातार चारों घाट का भ्रमण करेंगे, जो स्थिति को काबू में रखेंगे, नियंत्रण में रखेंगे। और इसके संबंध में सभी समितियों को पहले ही हिदायत शपथ पत्र दिला दिया गया है, किसी भी प्रकार की अव्यवस्था नहीं करेंगे और COVID-19 के संबंध में जो प्रशासन की गाइडलाइन उनका पालन। मूर्ति विसर्जन को लेकर कि कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं अभी हनुमान ताल थान? व्यवस्थाएँ सुबह से ही लग गई है, अभी कुछ ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन की जो टीमें हैं लगातार सभी घाटों में हैं और निगरानी रखे हुए। मूर्ति विसर्जन को लेकर के समितियों में कितने सदस्यों को अनुमति दी गई है? विसर्जन के लिए जो स्थापना से लेकर विसर्जन घाट तक की 10 से 12 लोगों को परमिशन दी गई है, जो कि अपने स्वयं के किसी वाहन से डायरेक्ट आएंगे, पैदल यात्रा करते हुए नहीं आएंगे। थैंक यू।